नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स को लेकर, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तहलका स्मार्ट मीटर्स को लेकर मचा हुआ है कि किस तरह से स्मार्ट मीटर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि जो स्मार्ट मीटर लाए गए हैं वो किस तरह से काम करने वाले हैं और क्या कुछ दावे यहाँ पर सरकार की तरफ से सामने रखे गए हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझेंगे कि किस तरह से स्मार्ट मीटर ये काम करेगा और फायदा किस तरह से रहेगा, नुकसान किस तरह से रहेगा, ये आप देखेंगे, क्योंकि प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही गई थी। तो चलिए समझ लीजिए कि किस तरह से स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में आखिर खास क्या कुछ है वो जरा समझिए कि आखिर क्यों ये स्मार्ट मीटर बहुत खास हो चुका है। स्मार्ट मीटर में आपको बिजली फोन से रिचार्ज करना होगा, यानी कि जिस तरह से आप अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, इस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हैं। और स्मार्ट मीटर में बिना रिचार्ज किए आप बिजली बिल्कुल भी चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके मोबाइल का बिल खत्म हो गया है तो फिर आप मोबाइल नहीं चला सकते। उसी की तरह से रिचार्ज के प्लान के मुताबिक आपका बिजली खपत यहाँ पर आप कर सकते हैं। जितनी बिजली आप खर्च करेंगे उतना रिचार्ज आपको करवाना है, और रिचार्ज में भी देखिए किस तरह से रहेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को पहले से ही पता होगा कि कितना बिजली बिल यहाँ पर खपत करना है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मोबाइल का जब आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें किस तरह से बताया जाता है कि कितना डाटा आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर यहाँ पर कैसे कार्य करता है वो जरा समझ लीजिए। क्योंकि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो कई तरह की सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें एक ऐसा डिवाइस लगा रहता है जो आपको ये बताता है कि किस तरह से यहाँ पर बिजली जो है वो खर्च हो रही है, जो मोबाइल टॉवर्स के माध्यम से सिग्नल बिजली कंपनियों में लेंगे और रिसीव यहाँ पर वो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है तो रिसीविंग के जरिए पता चल सकता है। इससे बिजली कंपनियों के दफ्तरों से मीटर की जो रीडिंग की निगरानी है वो की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है, बिजली चोरी रुकने का दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मुद्दा ये था कि बिजली की चोरी ज्यादा तरीके से हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सरकार का दावा था कि इसको बाईपास कर बिजली चोरी नहीं की जा सकती है, इससे बिजली चोरी जो है वो लगातार रुक सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा किया जाता तो विभाग के सर्वर पर सूचना आ जाती है, यानी कि अगर बिजली चोरी होती है तो सूचना पूरी तरह से मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बिजली चोरी चलती यहाँ पर रही थी, इस तरह से बात भी कही गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, चोरी अभी भी चल रही है। लेकिन अंकुश इस पर लगाया जा सकता है, क्योंकि बड़ा दावा जरूर रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो बिजली चोरी हो रही थी उसमें कटौती होगी। अब फोटो खींचने के साथ ही यहाँ पर बिजली का बिल निकलेगा, वो किस तरह से निकलेगा वो जरा समझिए। आप देखिए रीडिंग में यहाँ गड़बड़ी रोकने के लिए जिस तरह से आरोप लग रहे थे, यहाँ पर OCR तकनीक पे लगे हुए मीटर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन OCR तकनीक से ही उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में होने वाली खामियों से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन वो किस तरह से मिलेगी वो भी समझिए। इस तकनीक के यहाँ पर आप देखिए 7.50 लाख मीटर जम्मू और इतने ही कश्मीर में लगाए जाने हैं, जिस पर काम पूरी तरह से तेजी से चलता नजर आ रहा है। और बिजली मीटर की गलत रीडिंग से बिल ज्यादा आने की शिकायतें आना आम बात है, और लगातार आपने देखा कि किस तरह से लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ज्यादा बिल आ रहा है। तो उपभोक्ताओं की जानकारी यहाँ पर मीटर को लेकर ये है कि यहाँ पर जो QR कोड है उस पर लगे हुए जो स्कैन है वो पूरी तरह से यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि जानकारी तो मीटर भी देता है, लेकिन रीडिंग को मैनुअल डालना पड़ रहा था, अब ये नहीं करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो मीटर आपने देखा था उसमें कहीं ना कहीं रीडिंग को मैनुअल डालना पड़ रहा था। और नई तकनीक जो कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग है OCR, उसके तहत मीटर के एक फोटो से ही बिल बनकर तैयार हो जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं काम भी कम होता चला जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में 15 लाख बिजली उपभोक्ता है, इस तरह से 2022 के डाटा में सामने आया था जिसमें इसका लाभ यहाँ पर लोगों ने लिया, लेकिन अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है। लगभग 2023 की बात की जाए तो 22 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 22 लाख उपभोक्ता यहाँ पर है। इस तकनीक से फोटोमीटर रीडिंग ऐप के माध्यम से QR कोड स्कैन करने के बाद उपभोक्ता की पूरी जानकारी यहां पर सामने आ जाती है, और उसके बाद आप चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके बाद आप देखिए मीटर का फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करना होता है। जब आप ऐप पर अपलोड कर देंगे तो फिर किस तरह से यहां पर काम जो है वो चल सकता है। इस फोटो से ही बिलिंग सॉफ्टवेयर रीडिंग के नंबर खुद पढ़कर पूरी जानकारी दर्ज कर लेता है, यानी कि जब आप अपने मीटर का फोटो खींचते हैं और ऐप पर अपलोड करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इस प्रक्रिया से बिजली के बिल सही कराने के नाम पर उगाही तो रुकेगी ही, साथ ही रीडिंग टाइपिंग का काम भी खत्म हो जाएगा, यानी जो लाइनमैन
घर घर के अंदर पहुंचते थे, मीटर रीडर घर घर के अंदर पहुंचते थे, उनका काम कब हो जाएगा। 1.75 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं अभी तक, 1,70,000 का भी आंकड़ा आपने देखा, और दिन ब दिन ये आंकड़ा किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। कर्मी जो भी है उनको भी सुविधा किस तरह से दी जा रही है, कर्मचारियों को भी यहाँ पर सुविधा जो है वो मिल रही है कि ज्यादातर काम नहीं करना पड़ रहा है। तो बिजली बिल के लिए OCR अच्छी तकनीक है, इस तरह से दावा किया गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ग्राउंड पर ये मीटर लगते हैं तो कितना फायदा, इससे उपभोक्ताओं के साथ ही बिजली कर्मचारियों के लिए भी बिल बनाने में काफी मदद मिलेगी। यानी उन्हें जहां पर पेन और कागज लेकर काम करना पड़ता था उसमें अब डिजिटल तौर पर काम कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में बिजली दर क्या है इस पर समझ लीजिए, क्योंकि रेट्स पर आकर ये सारी बात जो है वो रुक जाती है। तो जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ 4.54 रुपए की दर से प्रति यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर खरीदती है और किस तरह से वो आम जनता में बढ़ती है। तो जम्मू प्रांत में वर्ष 2021-22 के दौरान तकनीकी और व्यवसायिक घाटा 46% रहा है, और ये घाटा अब कितनी तरह से बड़ा या कम हुआ वो समझ लीजिए। जबकि कश्मीर में ये घाटा 60% रहा, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 20% तय की गई थी। तो 20% जो है वो जम्मू के अंदर बढ़ा है, लेकिन 40% कश्मीर के अंदर बढ़ गया। तो 5 साल के बाद कुल मिलाकर 21% की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई। लेकिन उस बढ़ोतरी के बीच में दरें किस तरह से रही हैं, जम्मू में एक यूनिट बिजली की लागत क्या कुछ है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एक यूनिट का कितना पैसा आपको देना है। तो वाणिज्य श्रेणी में एकल चरण कनेक्शन की दर 200 यूनिट प्रति माह तक उपयोग के लिए 3.10 रुपए प्रति यूनिट आपको देना है। 200 से 500 यूनिट प्रति माह तक उपयोग के लिए 4.70 रुपए आपको यहाँ पर प्रति यूनिट में देना है, और 5 वर्षों में 9% की वृद्धि इसमें हो जाएगी, इस तरह से बात कही गई है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि दरों को किस तरह से रखा गया है। अब सवाल कई तरह के बन रहे हैं, हर महीने 500 यूनिट से ज्यादा उपयोग करने के लिए 5.10 रुपए प्रति यूनिट, और 3 से ज्यादा यूनिट के उपयोग के लिए 4.70 रुपए प्रति यूनिट आपको देना है। यानी कुल मिलाकर आप देखिए 5 रुपए के आसपास ही जो रेट है वो रखा गया है। अब बिजली का एक यूनिट का कितना रुपया होता है वो जरा देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले भारत के सभी राज्यों में एक यूनिट का रेट अलग अलग रहता है, क्योंकि हर राज्य के अंदर जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई या कम की जा सकती है। तो आप देखिए किस तरह से किसी राज्य के अंदर एक यूनिट 2.5 रुपए की आपको मिलेगी, तो किसी राज्य के अंदर 8.5 रुपए की भी यूनिट मिलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये दावा रखा गया है कि 4.50 रुपए की वो यहाँ पर एक यूनिट खरीद रहा है। लेकिन आम जनता को किस तरह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर दरें किस तरह से बदलती जो है वो चली जाएंगी, क्योंकि इससे पहले स्मार्ट मीटर लगातार आपने देखा सुर्खियां बटोरता नजर आया है। अब यहाँ पर समझना यह है कि किस तरह से काम होगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मेरे साथ विक्रम मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शेख बशीर अहमद जी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अपनी पार्टी से यासिर खान है, आपका भी स्वागत, और बीजेपी पार्टी से राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले बशीर जी मैं आप ही के पास आऊंगी, लगातार जम्मू कश्मीर की सड़कों पर त्राहिमाम हो रहा है मीटर को लेकर। आशा जी, पिछले कुछ अरसे से बहुत सी नई टर्मिनोलॉजी जम्मू कश्मीर में सुनते हैं हम, और स्मार्ट सिटी आया, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट पोल आ गए, स्मार्ट पोल के साथ स्मार्ट मीटर्स आ गए। और जिस तरह आपने कहा कि स्मार्ट मीटर जो हैं उनका प्रीपेड हो गया, प्रीपेड होना है इसको, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब आप कहेंगे क्यों, जम्मू कश्मीर में अगर एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ अगर जम्मू कश्मीर में कम रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बिजली पैदा करने वाली रियासत है, जो अब यूनियन टेरिटरी है। यहाँ सलाल प्रोजेक्ट जब बना तो कहा गया कि सलाल प्रोजेक्ट कुछ अरसे के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले किया जाएगा। बगलियाड़ प्रोजेक्ट बना, और बगलियाड़ प्रोजेक्ट के बाद धूल हस्ती उससे पहले बना था, और भी बहुत से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो रियासत थी वो बिजली पैदा करने में आगे है, भले ही इसके ऊपर कम पैसा लगा है, और आज बिजली का जो क्राइसिस है वो है। मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ स्मार्ट मीटर के हवाले से, कि ठीक है गवर्नमेंट को ये हक है कि वो स्मार्ट मीटर्स
लाए लगाए और जो जितना भी आपने बताया कि इसमें चोरी कम होगी ये होगा। और एलजी साहब ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर दोनों सामने रखने की जरूरत है। एक मिनट, एलजी साहब का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चोरी ज़्यादा करते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक किस्म का चोर बना दिया है। बदकिस्मती यह है कि स्मार्ट सिटी क्या यूपी, स्मार्ट मीटर्स क्या यूपी में लगे हैं, क्या दिल्ली में लगे हैं? एक मिनट, इसके साथ में पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इसके साथ में दूसरी चीज़ आपको कहूँगा कि चूंकि इसमें रिफॉर्म्स हो सकती हैं, एक मोहल्ले में आप स्मार्ट मीटर लगा के उसको उसको एक रेट ले रहे हैं आप, दूसरे मोहल्ले में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया उसका दूसरा रेट हो गया। आप इसको पूरा उसका पूरा कर लीजिए, उसके बाद लोगों को पहले कीजिए, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, पुलिस के जरिए लगा रहे हैं। राजेंद्र जी जवाब दीजिए, आप सवाल दोहरा देंगे तो बात बनेगी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता को चोर बना दिया जाए, रेट कुछ और है, दूसरे मोहल्ले में रेट कुछ और है, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए थी, इस तरह से थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, बशीर जी का कहना है। मैं मानता हूँ कि कुछ गंभीर सवाल है स्मार्ट मीटर को लेके, लोगों में एक इसका गलत असर जा रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं सामने आके उसको क्लियर करना चाहिए, जो लोगों की दुविधा है उसको क्लियर करना चाहिए। मैं एक बात तो कहूंगा कि मीटर तो ऑलरेडी हमारे घरों में लगे हुए थे, अब उसका एक नया वर्जन आया जिसको हम स्मार्ट मीटर कह के चला रहे हैं। मैं कहूंगा कि मीटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले भी हम पैसे दे रहे थे, आज भी हम पैसे देंगे, मगर लोगों में कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बैठ कर उनको उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करना चाहिए। मल्होत्रा जी वो कह रहे हैं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है क्योंकि पहले भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। देखिए इसमें मेरा अपना मानना है कि इसके दो पहलू हैं, एक पहलू ये है कि जब सरकार ने ये मन बनाया कि हमको मीटर्स चेंज करने हैं और चूंकि ये स्मार्ट सिटी जम्मू और श्रीनगर को बनाया गया और उसके तहत स्मार्ट मीटरिंग भी होनी ज़रूरी है, तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप जो है, सबसे पहली बात जो कंज्यूमर और जो सरकार के बीच में है, कि जिस तरह से आपने आज 5 मिनट लगा के एक एक्सप्लेन किया कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है और किस तरह से ये काम करेगी, किस तरह से ग्राउंड पे काम होगा, किस तरह से लोगों के बिल्स आएंगे, वो चार्ज होंगे, मुझे लगता है हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हर लेवल पे हैं, हमारे पास पंच सरपंच हैं, हमारे पास कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे पास BDC मेंबर्स हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इन्वॉल्व करके सरकार को आम आदमी तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी, मतलब कि वो क्या उनकी मंशा क्या है, जागरूकता के लिए काम किया जाना चाहिए। लेट मी कंप्लीट, उसमें एक था, एक तो ये था, दूसरा ये था कि ये एक वेलफेयर स्टेट बनी जाती है, 30 साल जम्मू कश्मीर ने मिलिटेंसी झेली है और यहाँ पे आज भी अगर आप देखें तो अभी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पे आ रही है, पर बहुत बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में और उस बेरोजगारी के चलते लोगों में एप्रिहेंशन है कि ये कहीं जो बिल बिजली के आ रहे और आ भी रहे हैं, कई जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक पंखा और दो ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, उनकी 6-6 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, तो ये जो सारा शोर और गुल मचा है जम्मू कश्मीर में ये अनफाउंडेड नहीं है, ये सिर्फ किसी के कहने पे नहीं मचा है, क्योंकि लोगों को जब मीटर के बिल आने शुरू हुए, एक रेजिस्टेंस तब तक थी जब तक मीटर लग रहे थे, जब एक्चुअली मीटर आने के बिल आने लगे तो वो जो कंज्यूमर, देखिए जो कमर्शियल कंज्यूमर है या जो दुकानदार है या जो बड़े घरों वाले लोग हैं या जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, उनकी एक अलग बात है, पर जब आम आदमी सड़क पे आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंच रही है और ये सरकार का काम है। आम लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है, जागरूकता को लेकर काम करने की जरूरत है सरकार को। मैं मनोहर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार को और जो लोग इस डिपार्टमेंट के हैंडल कर रहे हैं उनको एक टीम बना के जरूर लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि उनकी जिंदगी में कोई और नई आफत नहीं आएगी, इसके लिए उनको बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो सरकार के लिए परेशानी की बात है, इसमें लोगों ने पैसे भरने हैं, लोगों को अच्छे से समझाया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि मीटर पहले भी थे, मीटर आज भी हैं, ये मीटर आपकी सुविधा के लिए है, ये मीटर लोगों की असुविधा के लिए नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल जो कैंपेन है और अवेयरनेस कैंपेन जरूर चलनी चाहिए। यासर जी, मीटर लोगों की सुविधा के लिए है, राजेंद्र जी कह रहे हैं। जी
अच्छा जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि आप देखिए, सरकार बार बार कहती है हम दूसरी रियासतों से जो है बिजली खरीद के लाते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में 3500 मेगावाट, 2 साल की जो पहले ऑफिशियल डेटा है वो कह रहा है कि 3500 मेगावाट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है बिजली, तो हालांकि कैपेसिटी जम्मू कश्मीर की 20,000 के करीब है। तो आप जहां तक ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, आप देखिए इससे आम आदमी तो बहुत परेशान हो रहा है, और जिस तरह से ये कह रहे हैं आप प्रीपेड की जहां तक बात कर रहे हैं, आप ये कंपेयर नहीं कर सकते चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ। एक तो स्मार्ट मीटर की स्पीड बहुत तेजी से चल रही है, आप अगर ये कहेंगे कि वहां पर एक प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी इंप्लाई वहां पर नौकरी कर रहा है मेट्रो में किसी बड़े शहर में, तो जम्मू में वही कंपनी जो है जम्मू में जहां पर वो 1 लाख देती है, जम्मू में 10,000 रुपए से वो काम कर ले रही है उससे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो ब्लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर नहीं आते हैं, 1-2% हो सकते हैं जो रिच क्लास में आए, लेकिन इस वक्त कंज्यूमर जो है पूरी तरह टूट चुका है अगर प्रीपेड होता है। और इसमें दूसरा डर मैं बताऊं, अभी जो कुछ लोगों की जो ग्रीवेंसीज है वो एड्रेस नहीं हो रही है, जो लोगों के कई जगह क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है, मैंने 2-3 खुद देखा है कि एक कंज्यूमर की जो है जो आईडी वो तो सेम है, बट उसका जो बिल था वो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन जब उसने कंप्लेन की और जब उसका स्मार्ट मीटर को चेक किया, उसकी कोई अंदर की जो आईडी थी वो सैनिक कॉलोनी में यूज हो रही थी और वो सैनिक कॉलोनी वाले का बिल दे रहा था। ठीक करने की जरूरत है राजेंद्र जी, क्योंकि जो पारदर्शिता, जिस तरह से कहा जाता है ना कि कोई भी भर्ती होती है तो पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, चेक लगाने की जरूरत है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लगाए जाएं, क्योंकि इससे पहले भी स्मार्ट मीटर जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो अवेयरनेस डालने की जरूरत है, और साथ ही ऐसा मसौदा तैयार करने की जरूरत है कि कहीं पर भी मिलीभगत देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक घर का यहाँ पर जो पूरी तरह से आप देखिए ना, लोड अगर 100 है तो 100 ही दिखना चाहिए, वो 1,000 नहीं दिखना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्मार्ट मीटर लगे। मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर लगे, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें मीटर लगना है, डिजिटल का टाइम है, नए से नए मीटर आते रहेंगे, नई से नई टेक्निक आती रहेगी, वो लगेगी, मगर लोगों को असुविधा जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है मीटर लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट है उसको सामने आके, छुप के नहीं, सामने आके लोगों के बीच बैठ के, गली मोहल्लों में घूम के, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बैठ के उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये मीटर पार्टी में आपकी पार्टी है तो बात कौन करेगा ऊपर तक? एलजी प्रशासन से इस बारे में बात करने की जरूरत है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें बात करने की जरूरत है कि लोगों को इस तरह से समस्याएं आ रही हैं। मीटर से किसी को समस्या नहीं है, जो परेशानी आ रही है उन्हें दूर करने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूं कि हम बिल्कुल जो सूटेबल टेबल है उस पर पूरी बात रख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमें सरकार यही बता रही है कि इससे कोई लोगों, आम लोगों का नुकसान होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ फिर भी लोगों में एक डर का माहौल है, उसके उस डर के माहौल को डिपार्टमेंट को सामने आके दूर करना चाहिए। डर का माहौल है बशीर, देखिए करने की जरूरत है। देखिए आपने जब ये कहा कि टोटल 22 लाख कंज्यूमर हैं और 22 लाख कंज्यूमर में से सिर्फ 1,75,000 मीटर सभी लग पाए हैं, क्यों ये किया जा रहा है कि एक मोहल्ले में लगा के आप उनको एक रेट चार्ज कर रहे हो और जिसमें नहीं लगा उसमें दूसरा रेट चार्ज कर रहे हो। और दूसरी बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को एक डेडलाइन मकर कर लीजिए कि इस हद तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तब तक लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगी, आप हाच पाच में क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रीपेड करेंगे। प्रीपेड का मतलब ये हो गया कि हर एक आदमी के पास ये जो स्मार्टफोन नहीं है, बहुत से घरों ऐसे हैं जिन जो बेचारे 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो प्रीपेड कहाँ से करेंगे? और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें अगर प्रोजेक्ट है तो हमें एतराज़ नहीं है, होनी रिफॉर्म होना चाहिए। आज से 2 साल पहले ही मीटर लगे हैं यहाँ, 2 साल पहले लगे थे, और जब मीटर लगे थे तो आज ये ज़बरदस्ती तहसीलदारों को इकट्ठा करके और पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा? लोगों को अवेयर करो। चलिए, वो कह रहे हैं कि इस तरह से बल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। ताकत के बल पोते में मत करो ना, जागरूकता डाली जानी चाहिए लोगों के अंदर। मेरा मानना यह है कि बिजली के पैसे हम आगे भी दे रहे हैं, मीटर हमारे घर में आगे भी लगे हैं, मगर कहीं कुछ डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो बिजली की चोरी होती है, जो तो ईमानदार आदमी है वो 100% अपना पे कर रहा है, मगर कुछ लोग डिपार्टमेंट की मिली भगत से चोरी करते हैं, उस चोरी को रोकने का अगर स्मार्ट मीटर एक जरिया है तो हमें कोई एतराज नहीं है। मगर मैं इसके साथ दूसरी बात कहता चलूं कि लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
जितना लोग आगे बिजली का किराया दे रहे हैं उतना दे, और ठीक है जो मिली क्योंकि देखिए ना थोड़ा सा मल्होत्रा जी मैं आपसे भी ये बात करना चाहूंगी, इस मीटर को लेकर थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्योंकि लोगों के अंदर ये चीज डाल दी गई है कि मीटर की वजह से ही बिल बढ़ रहा है। लोगों के अंदर ये डालने की जरूरत है कि मीटर जो है वो एक प्रीपेड सर्विस है, जितना आप उसकी खपत करेंगे उतना आपको भरना है। इसमें दो तीन चीजें, आई डोंट थिंक कि जम्मू कश्मीर अभी तैयार था इस तरह की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जिसको हम प्रीपेड मीटर बोल रहे हैं। प्रीपेड मीटर का मतलब ये हुआ कि आप एडवांस में बिजली के पैसे ले लेंगे। ये शायद जम्मू कश्मीर एक पहली स्टेट होगी, यूटी होगी, जहाँ पे आप एडवांस पैसे ले रहे हैं। ये आप बिजली अभी कंज्यूम कर नहीं रहे हैं पर एडवांस आप पैसे दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, स्मार्टफोन्स का जैसे श्री साहब ने कहा अभी कि स्मार्टफोन्स के एक्सेसिबिलिटी हर इंसान तक नहीं है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जम्मू के शहरों में जो गरीब हैं, जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, कर नहीं रहे, और उनके लिए वो जिस घर में रहते हैं वो एक कमरे का घर था, उसमें वो एक बल्ब और दो पंखे या दो पंखे एक बल्ब के साथ रह रहे थे, और उनको 600 500 700 रुपया वो बिजली का बिल अपने पुराने मीटर के हिसाब से भरते थे। आज जब नया मीटर लग गया उनका, उन्हीं लोगों का बिल 3,000-4,000। अब जो औरत बर्तन लोगों के साफ करके 7,000-8,000 रुपये महीना कमाती है, या स्कूल में नौकरी करके सफाई करके 7,000-8,000 रुपये महीना कमाती है, वो कहाँ से 3,000 रुपये बिल दे देगी। ये सड़कों पे वो लोग निकले हैं, ये इन लोगों की जो दर्द और पीड़ा है वो एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि इलेक्टेड नहीं है, इनके पास एक एजेंडा है कि चाहे आपको स्मार्ट मीटर्स करने, आपने देखा कि स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाया तो कितनी स्मार्ट, कितनी चेंजेस आपको सिटी के अंदर नजर आई। आज पिछले दिनों बारिश के मौसम में एक तूफान आया था, 4 दिन सैनिक कॉलोनी और छन्नी में बिजली नहीं आई, और जब मौसम खराब होता है तो बिजली पहले जाती है, अभी बादल आसमान में गरजते हैं बिजली चली जाती है। तो स्मार्ट मीटर्स वहां लगने चाहिए जहां सब एवरी सिस्टम इज इन प्लेस। आज सिस्टम तो इन प्लेस है नहीं, आप 24 घंटे बिजली तो दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो आप लोगों से उग्राही करना चाहते हैं एडवांस में, इसी का विरोध हो रहा है। ठीक है मल्होत्रा जी, जवाब ले लीजिए राजेंद्र जी। मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक की तारें बिछी हुई थी, बिजली की तारें बिछी हुई थी, उसकी जगह अब केबल बिछना शुरू हो गई है। उससे भी एक चोरी रुकती है क्योंकि जो ड्राप होता है वो 40% तक पहुंच गया है, क्योंकि नंगी तार है, कोई कुंडीदार है, कोई कुछ कर रहा है, अब केबल बिछना शुरू हो गया है। इसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। वो भी जो फर्क पड़ता है वो भी हम लोगों से लिया जाता था। मैं तो खुश हूं कि केबल पड़े, हम जो एक्चुअल में बिजली यूज करें उतने पैसे हमसे लिए जाएं। मैं ये कहूंगा कि अब हम ये कहेंगे कि आज का रिचार्ज नहीं करवा सकता, क्या नहीं हो सकता, वो सरकार अपनी जैसे आपने बताया 22,000 कंज्यूमर आ रही है, 70,000 में मीटर लगे हैं, आस्ता आस्ता लगते हैं, उतनी देर में सेटअप भी खड़ा हो जाए। बिजली चोरी को रोकने का पूरी तरह से काम हो रहा है। बिजली की चोरी को रोकने के बहुत से तरीके हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑफिसेज हैं, जो ऑफिसेज हैं जहाँ स्मार्ट मीटर वहाँ लगाए गए, क्या उनसे बिजली की फीस ली जा रही है? जो ऑफिसेज के अंदर एसीज लगे हैं, ऑफिसेज के अंदर जो गैजेट्स लगे हुए हैं, डिफरेंट गैजेट्स, क्या उनसे लिया जा रहा है? ये जो आप तकनीकी चीज़ें कह रहे हैं कि तकनीकी लॉसेज हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस कितना है, और जो ये दफ्तरों के अंदर बिजली, मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनसे भरपूर मात्रा में बिजली के पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो भी हमारे से ही चार्ज हो रहे हैं। लेकिन बशीर जी, एक और बात सरकार की तरफ से कही गई है कि T&D पर काम हो रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो नुकसान है उसे कम करने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो तो वो जो है, इसलिए नुकसान लोगों की वजह से नहीं है, टेक्निकी नुकसान है। यासर जी, जो ये कह रहे हैं कि बिजली जो चोरी होती है, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि ये सरकार नाकामयाब हो चुकी है। हाँ। इसका बिजली की जो चोरी हो रही है, खुद मान रहे हैं कि बिजली की चोरी होती है, इसकी ये नाकामयाबी है, ये गवर्नमेंट ने ही रिजॉल्व करना होता है। और दूसरी चीज में ये बताएं ये हमें कि जहां तक प्रीपेड मीटर की बात है, अगर प्रीपेड मीटर में किसी के पास आज पे वो नहीं कर सकता, उसकी बिजली बंद हो गई है, हालांकि वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसका डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा कनेक्शन, और उसको दोबारा से कनेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट हो सकता है, पता नहीं कितने दिन उसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बैठना पड़े, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र जी जवाब दीजिए। बिजली को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर किस तरह से काम होगा? दोबारा से आपको फ्रेश कनेक्शन लेना पड़ेगा, काफी तरीके से मुशक्कत करनी पड़ेगी लोगों को।
मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम गलत के र्यूमर सुन रहे हैं, गलत की बातें हम सुन के उस पर यकीन कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उसका कनेक्शन कार्ड दिया जाएगा। हम भी लोगों में रहते हैं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। ये बात ठीक है कि लोगों में अलग अलग किस्म के र्यूमर्स हैं। हम जो जिम्मेवार लोग हैं, हमें लोगों को समझाना चाहिए और हमें डिपार्टमेंट से भी बात करनी चाहिए जो हमारे ठीक है। मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में डेडलाइन मुकर्रर करके जब तक सब लोगों के मीटर ना लगे तब तक चार्जेस नहीं लेने चाहिए, तब तक पुराने सिस्टम से चलना चाहिए। देखिए आशा जी, जब से यहाँ पे 370 टूटी है और ये यूटी बना और एलजी साहब की हुकूमत आई है, अलग अलग एलजीज की, वहाँ पे एक विलफुल तरीके से एक कैंपेन शुरू की गई जिसमें जम्मू कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले, जम्मू कश्मीर के नागरिक सबको चोर बताने की कोशिश की जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली बिजली की कंजम्पशन को लेके भी आज अलग अलग पार्टीज की तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है और उसके उसके जो जवाब आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो ये है कि जम्मू के और कश्मीर के लोगों को चोरी की आदत पड़ गई थी, उनको मुफ्त बिजली की आदत पड़ गई थी। मुझे लगता है इससे बेहतर ये होगा कि वो अपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें इस तरीके से ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को सच्चाई समझ में आए। ये जो टैरिफ्स है, टैरिफ्स बिल्कुल इंक्रीज नहीं होने चाहिए और प्रीपेड मीटर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। अगर ये देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर प्रीपेड मीटर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जम्मू कश्मीर में रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें दे। स्मार्ट मीटर की जगह अगर रोजगार दिए गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। और जो फेयर यहाँ पर लिए जाएंगे वो पूरी तरह से मुकर्रर होने चाहिए, कम होने चाहिए लोगों के लिए। और जिस तरह से मल्होत्रा जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरी को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है तो उस पर काम होना चाहिए। और साथ ही बशीर जी कह रहे हैं कि सब के घरों के अंदर पहले मीटर लगना चाहिए और उसके बाद ही बिल जो है वो लिए जाने चाहिए। जवाब दीजिएगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि नेशनल हाईवे जम्मू से भी बनेगा और हम कहेंगे जोरी पुंछ का भी कंप्लीट होगा तो तब उस पे वो जो टोल प्लाजा लगे, ऐसा नहीं होता। जहाँ जहाँ कंप्लीट होता जाएगा उनको 24 घंटे अगर अच्छी बिजली मिलती है तो मैं कह रहा हूँ लोगों को पैसे देने चाहिए। मीटर नहीं लग रहे उनको बिजली ही 3-4 घंटे मिलती है, उनको कम पैसे आ रहे हैं। एक इलाका बता दे जहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये दावा सरकार की तरफ से किया गया है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। एक मोहल्ला बता दे, ऑपोजिशन का आरोप है और वो साफ तौर पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ उनको 24 घंटे मिलनी चाहिए। यहाँ अंडरग्राउंड जागरूकता डालने की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करने की जरूरत है। राजेंद्र जी, मैं तो पहले जब से आपने डिबेट स्टार्ट करी है मैं पहले से कह रहा हूँ कि जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बशीर जी आपका भी, मल्होत्रा जी आपका भी, यासिर जी आपका भी। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आम जनता उतरती चली जा रही है और इस बारे में ऑपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से सरकार को घेर रही है, लेकिन सवाल यहां पर हर किसी की तरफ से ये रखा जा रहा है कि आम जनता को ये समझाने की जरूरत है कि स्मार्ट मीटर का फायदा किस तरह से है और नुकसान किस तरह से। सबसे पहले जागरूकता डालने की जरूरत है। आप कोई भी योजना परियोजना जमीनी सतह पर लगाते हैं, फायदा उसका गिनवाइए। आम जनता को यह पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर का फायदा क्या है और उसके बाद ही आगे का काम यहां पर होना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।